आदरणीय बंधुओं नमस्कार। लॉकडाउन की इस कठिन घड़ी में जब पूरा देश मिलकर इसके मुकाबले में लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से मेरे नोखा के हजारों हजार नौजवान देश के विभिन्न जिलों में, देश के विभिन्न शहरों में, महानगरों में अपनी रोजी रोटी हेतु गए हुए हैं, वो हजारों हजार नौजवान, कुछ लोग समय रहते अपने घर पहुंच पाए और हजारों हजार नौजवान उन शहरों में रह गए हैं, और कुछ लोगों ने आने का प्रयास किया, वो बीच रास्ते में अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों में बीच रास्ते में आइसोलेशन कैंप या क्वारंटाइन कैंप्स में हैं। उन सब लोगों से पिछले दिनों में मेरी बात हुई, उनकी एक एक समस्या को, एक एक बात को मैंने नोट किया है, उनसे लगातार मैं संपर्क में हूँ और मैं कोशिश करता हूँ सबकी बात सुन, फिर भी इतने लोगों के फ़ोन आए कि मैं मुश्किल से उनमें से 60-70% लोगों से बात कर पाया हूँ। और एक एक कैंप में, कहीं आइसोलेशन में दर्जनों दर्जनों हमारे साथी हैं, 40-40, 50-50 की संख्या में हमारे साथी वहाँ हैं। तो उन सब सी समस्या को देखते हुए शुरू में 27 तारीख को राजस्थान की सरकार से हमने इस बारे में बात की कि पहली बात तो इन पिछले लॉकडाउन लगने के 2-3 दिनों में जो लोग राजस्थान की सीमाओं पर आ गए हैं, गुजरात बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, तो उन लोगों को तो घर तक छोड़ने के लिए सारी जांच पूरी करने के बाद, उनका स्क्रीनिंग करने के बाद उनको घर तक छोड़ने का सरकार प्रयास करे। तो सरकार ने रोडवेज की बसें लगा के उनको वहाँ छोड़ने तक का काम भी किया, लेकिन लॉकडाउन की पालना करना सभी सरकारों के लिए, हम आम नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रयास एक ही दिन चला और उसके बाद जो जहाँ था वो वहीं थम गया। और हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी कठिन घड़ी में हैं, कठिन समस्या में, दुविधा में हैं, घर से दूर हैं या घर पे आपकी चिंता है, आपको वहाँ घर खुद की साथ स्वास्थ्य के साथ साथ घर की चिंता है, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और जिन लोगों से बात हुई है 90-95% लोग इस बात को मानते हैं कि ये देश की समस्या है, इसमें हम सबको मिलकर लड़ना है, इस बात को समझ भी रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन आप दुविधा में हैं, परेशानी में, इस बात को हम महसूस करते हैं और आपका मनोबल बढ़ाने का काम आपका यहाँ परिवार है, उसकी आप चिंता मत करिए, वो हम पूरा गांव के लोग मिलके, हम मिलके कहीं भी कोई उनको दिक्कत नहीं आने देंगे, आप वहाँ हैं, आपकी हमें चिंता है। इसलिए राजस्थान की सरकार ने इस आग्रह पे 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को, डॉक्टर समित शर्मा जी जो गृह सचिव का काम देख रहे हैं और जो माइनिंग डायरेक्टर है गौरव गोयल जी, इन 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इस बात के लिए डेप्यूट किया और उन लोगों की ये जिम्मेदारी लगाई कि इस तरह जो नौजवान जो हमारे राजस्थानी प्रवासी दूसरे प्रदेशों में हैं तो उनसे वो उनसे संपर्क करें और उनको वहाँ कोई दुविधा है, वहाँ कोई परेशानी है, समस्या है, तो वहाँ की सरकार से, वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के कलेक्टर SP से बात करें। इस तरह की बात लगातार मैं भी करता आ रहा हूँ वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, वहाँ के SP से, वहाँ के कलेक्टर से, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है राजस्थान के इन दोनों अधिकारियों को इस बारे में सूचना भी दे रहा हूँ। मेरे पास जितने भी इस तरह के फ़ोन आए हैं उनका डाटाबेस बना के मैंने अधिकारियों को दिया है। और अब 11 तारीख को जब ये लगा कि 14 तारीख को लॉकडाउन की, 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही है, तो 14 तारीख नज़दीक आ रही है, 11 तारीख को वापस इन दोनों अधिकारियों से मेरी बात हुई, राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, उनसे भी बात हुई, तो सरकार को हमने ये सुझाव दिया कि सरकार लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद अगर सरकार को लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना आवश्यक है और बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था रखे कि जो लोग आइसोलेशन कैंपों में 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं या जो लोग लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों के शहरों में अभी तक हैं, 21 दिन की लॉकडाउन की अवधि का उन्होंने अक्सर से पालन किया है और उसमें किसी तरह के कोरोना लक्षण नहीं है तो उनको अपने गाँव तक आने का इजाज़त दिया जाए, व्यवस्था की जाए। राजस्थान के सरकार के अधिकारियों ने यह प्रपोजल सरकार के सामने भी रखा, उसका हमारे पास सकारात्मक जवाब भी आया कि इस तरह के प्रयास, सुझाव आपके इस तरह आए हैं, इस तरह के प्रयास को हम सरकार के सामने रख रहे हैं। और कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उनके फेसबुक पेज पे पूरे दिन की कार्रवाई गतिविधियों का विवरण था, उसमें भी एक बहुत सकारात्मक बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि इस तरह के लोगों को हमें चिंता, इस तरह के लोगों को लाने का हम प्रयास पर विचार कर रहे हैं। आज 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती वर्ष, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़े महामानव का जयंती वर्ष, और आज 10 बजे जब लॉकडाउन की अवधि का अंतिम दिन था 21 दिन की, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे TV पे जनता से रूबरू हुए और देश पे आए संकट से जनता से फिर एक बार अपील की कि हमें 19 दिन का एक लॉकडाउन और लेना पड़ेगा ताकि हम इस संक्रमण से बच सकें। और
दुनिया में हिंदुस्तान ने उदाहरण पेश किया है कि समय रहते सारी परिस्थितियों को देखते हुए आगामी अंदेशे को महामारी के फैलने के अंदेशे को देखते हुए संक्रमण आगे न बढ़े तो बहुत कड़ा और सख्त कदम उठाया, बहुत कड़ा और बड़ा कदम उठाया देश के प्रधानमंत्री ने, देश की जनता साथ खड़ी हुई तो हम संक्रमण से बच पाए इस बात की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और अभी भी जो साथी इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है 19 दिन और हमारे उन साथियों को बड़ी चिंता है, हमें भी उनकी चिंता है जो कैंपों में रह गए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रह गए हैं, तो आज आप ज़्यादा बड़ा कदम तो मैं इसको नहीं कहूँगा लेकिन कुछ राहत प्रदान करने वाला कदम एक सरकार ने उठाया, उसे मैं आपको रूबरू कर दूँ कि राजस्थान की सरकार ने जहाँ इस बात के लिए आपसे दूसरे प्रदेशों में संपर्क के लिए वहाँ की सरकारों से आपकी सुविधा हेतु आपकी जो दुविधा है उसको दूर करने तो संपर्क करने की जिम्मेदार थी, वहाँ 2 अधिकारी काम कर रहे थे, उनके साथ उनकी टीम के बीच 25 लोग काम कर रहे थे। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक निर्णय लिया है कि सभी प्रदेशों के जितने भी प्रदेशों में हमारे प्रवासी बंधु हैं, मान लीजिए गुजरात के हजारों लोग या राजस्थान में लॉकडाउन में रुके हुए हैं, हमारे प्रदेश के मेरे नोखा के बीकानेर के सैकड़ों हजारों नौजवान गुजरात प्रदेश के अलग अलग शहरों में हैं, तो जो गुजराती यहाँ हैं जो राजस्थानी गुजरात में है उन लोगों की इस दुविधा को समस्या को देखने के लिए एक IAS और एक IPS अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। इसी तरह सभी प्रदेशों के हिसाब से एक IAS और एक IPS अधिकारी की वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जहां हमारे प्रवासी बंधु उनसे संपर्क कर पाएंगे, उनको अपनी दुविधा बता पाएंगे और वो उनको मदद करने हेतु वहां के प्रशासन से, वहां के जिला कलेक्टर से, वहां की सरकार से बात करेंगे और उनको राहत प्रदान करने का काम करेंगे। आदरणीय बंधुओं मेरा आग्रह है, देश के प्रधानमंत्री ने पुनः आह्वान किया है, लॉकडाउन बढ़ाया है, ये आपकी हमारी पूरे देश की स्वास्थ्य को लेकर चिंता को लेकर बढ़ाया गया है, इसलिए हम सबको मिलकर साथ देना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, और उनकी बताई हुई गाइडलाइन पे हमें चलना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, तभी हम देश को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। आप इस कठिन घड़ी के फंसे में हमें आपकी पूरी चिंता है और आप अपनी दुविधा को मुझे तो कह ही रहे हैं, मैंने आपका डाटा बेस तैयार करके सरकार के अधिकारियों को भिजवा भी दिया है लेकिन सब लोग मुझसे भी संपर्क नहीं कर पाए होंगे, सब लोगों की मैं भी बात नहीं कर पाया होगा, तो ये सभी अधिकारियों के नंबर की सूची में दूसरे मैसेज में फेसबुक पर डाल रहा हूँ, तो जो भी मित्र है वो उन अधिकारियों से मोबाइल नंबर पर बात कर सकता है, अपनी दुविधा बता सकता है, अगर वहाँ बात नहीं हो पाती है या कोई और बात होती है तो आप मुझसे संपर्क लगातार कर ही रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपका पूरी बात राजस्थान की सरकार तक पहुँचाऊँगा, अक्सर से आपकी दुविधा को सरकार के ध्यान में लाऊँगा, सरकार उस पर उचित समाधान करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाइए। और एक हफ्ते को लॉकडाउन जो 20 तारीख तक है इसका सख्ती से पालन करने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है, 20 के बाद कोई नई परिस्थितियां बनती है और सुधार होता है तो सरकार निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से इसमें कुछ छूट देने के प्रावधान भी करेगी, तब हो सकता है आप अपने शहर तक अपने गांव तक अपने परिजनों के पास आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मजबूत रहिए, विल पावर को मजबूत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस कठिन घड़ी में आप और हम सब मिलके ही इस देश का भला कर सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं इस कोरोना के संक्रमण से और कोरोना को मिलके हरा सकते हैं। इस मौके पर हमको सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।